ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ ले वी आर हियर एट ले मार्केट. ये जो व्लॉग हम लोग शूट करने जा रहे हैं दिस विल बी टोटली डेडिकेटेड एज ले फूड व्लॉग. मतलब हम लोग यहाँ आने से पहले बहुत सारा रिसर्च किया मैं और सौम्या. वी विल बी कवरिंग ऑल दोज कैफेज हियर, ट्राई टू गिव अ प्रॉपर रिव्यू टू ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग टू कम हियर एंड एन्जॉय द फूड. आई एम क्वाइट ऑनर्ड लाइक टू शेयर द स्क्रीन विद सौम्या हु इज लाइक अ काइंड ऑफ फूड ब्लॉगर. इफ यू वांट टू से एनीथिंग लाइक व्हाट आर द प्लान्स फॉर द टुडे फॉर ऑल ऑफ अस. सो वंस वी एंटर फ्रॉम ले मार्केट वी फाइंड द वर्जिन होटल which is one of the oldest hotel, Ladakhi hotels where you find the authentic Ladakhi cuisines. Veg restaurant, that's Nathu's. Everyone knows that's a famous place, Nathu's. Then we will be trying out the new quality food where you get the softy corner. Yeah, the softy bhi milta hai, simple ice cream. जिसको हम लोग कॉर्नेटो बोलते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही है. ऑलमोस्ट सिमिलर. एंड दिस इज अ मेन रोड एंड ऑपोजिट टू ईच अदर देयर सो मेनी कैफेज यू कैन विजिट. यू कैन स्पेंड योर टाइम. सॉफ्टीज ले लिए तो ठीक है. तो हम लोग भी सॉफ्टीज लेने वाले हैं. सो वी विल बेसिकली ट्राई टू कवर इन दिस व्लॉग ऑल द पॉसिबल कैफेज हियर एंड ट्राई टू टेस्ट ऑल द लोकल क्विजिन एवरीथिंग. भैया कौन सा फ्लेवर है? चॉकलेट वैनिला मिक्स. चॉकलेट और वैनिला मिक्स. ओके एक मिक्स दीजिए एक वैनिला दीजिए. मेरे को वैनिला दीजिए. ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है. तब एक वैनिला. Cheers to Ladakh trip. एक बात तो है, जो भी हो जैसा भी हो ठंडे के मौसम पे ऐसा स्मूदी ठंडा ठंडा खाने में बहुत मजा लगता है. Seriously, softy खाने में इतना softy any time you can have, but same time I need to keep a watch like मेरे को सर्दी ना हो जाए ये खाने से. ठंडा है ना बहुत. और भी बहुत सारा चीज खाना है हम लोगों को. तो थोड़ा एक ही खा रहे हैं हम लोग. How you eat softy? So in our Leh food hopping, we are stopping by Gizmo restaurant. That is the point. Gizmo. That green color to signboard दिख रहा है वहाँ पे. यहाँ पे क्या non-veg item मिलेगा? हाँ मिल सकता है. So this was also part of our recommendation list जो हम लोग list बना के आए हैं at Leh. कहाँ से entry है? किधर से? उधर से. चलो. Let's go on this side. So we are inside at Gizmo restaurant. We have ordered barbecue chicken. Barbecue chicken. And one chicken momo. Barbecue chicken pizza and momo. और क्या क्या है यहाँ पे दिखाओ. They have quite a lot of menu. Pizza you can try in Gizmo as well. That's the yak pizza. If you like, you can try that as well. Yak pizza. Yak cheese pizza. This is their specialty. But since we haven't tasted yak before, so we didn't have. वैसे मैंने पूछा कि यहाँ का क्या specialty है. उन्होंने बोला सब कुछ ही है. If this is the inside ambience of Gizmo cafe, तो बाहर का ambience मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. ये देखो. This is the Leh market, entire market area. And यहाँ बैठ के भी आप खाना खा सकते हो. It's a kind of smoking zone, I must say. हम लोग उधर से चलते हुए ये साइड आए और इधर से अंदर आए नीचे से. चिकन का स्टफिंग अच्छा है. स्टफिंग व्हाट वी से इन मोमो द हिमालयन फ्लेवर द जूस कम्स आउट ऑफ द मोमो. इट्स रियली गुड. So this is our barbecue chicken pizza. Looks quite yummy and I hope this will be quite delicious also. Pizza ka stuffing to theek thaak lag raha hai. So main done with the photo. Yes. Dikha do kaisa hai. Ab dekh lo stuffing kaisa hai. Barbecue chicken pizza. Having this pizza along with this beautiful road view. Pizza is like just okay. I will give like 5 out of 10. But for momo I will definitely give 8 out of 10. For pizza I would say the taste was average. But the momo was yes, you can try for the momos. Pizza you can try, it's up to you. You can try as per your choice, but momo you should try definitely. Yeah, so same pinch. Totally agree with what Soumya said. Ye cheez dimag pe rakho, uske hisab se order karo. As simple as that. So it's 7:30 in the evening. अभी जाके सनसेट प्रॉपर हुआ है. मतलब अभी भी लाइट है
फोटो वगैरह उठा सकते हैं और व्यू देखो पूरा मार्केट एरिया का. तो नाउ यू कैन सी द एंटायर मार्केट एरिया इज टोटली लिट अप. बहुत ही सुंदर लग रहा है इन दिस योलो एम्बियंस लाइट. और इधर एक रूफटॉप लाउंज है, बहुत सही व्यू आ रहा है. You just walk and just enjoy the vibes. That's it. और कुछ नहीं है यहाँ पे, just बैठो और पूरा जगह का मजा लो. तो जितना भी खाने का दुकान है ना, सब यही जगह पे है. और पीछे स्काई का व्यू देखो, ऑलमोस्ट इट्स अराउंड 8-10, फिर भी लाइट है. दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस प्लेस. After Zizmo Cafe, we are here at Wonder Art Cafe. तो रूम का है, बहुत बढ़िया सीनिक व्यू है. सीनिक व्यू बहुत बढ़िया है चारों तरफ मेरे पीछे. You can spend a lovely evening here with your friends, family. And this is kind of rooftop lounge. And you have inside lounge as well. अच्छा, अलग से लाउंज में बैठने का जगह भी है. So we are planning to order one or two dish and we'll share it together. वो कोने पे करीम बिरयानी. कैफे में जो रूफटॉप का व्यू है, बहुत ही तगड़ा वाला व्यू है. पूरा पीछे मॉल रोड का व्यू भी आप लोगों को दिखेगा, पहाड़ का व्यू भी है. एंड वो पीछे ले पैलेस, द शाइनिंग वन. भैया आपका यहाँ का स्पेशलिटी क्या है? चिकन बर्गर. क्या देना है? एक ऑर्डर करते हैं चिकन बर्गर. हम लोग ऑलरेडी फुल है, सब जगह टेस्ट करते करते आ रहे हैं, बट थोड़ा ही खाना है हम लोगों को. एक चिली गार्लिक नूडल्स और बीन्स नॉर्मल जो होता है वही देंगे. वी गॉट आवर क्रिस्पी चिकन हियर एट वंडर आर्ट कैफे. देखने में तो बढ़िया लग रहा है, अभी टेस्ट करके बोलना पड़ेगा कैसा हुआ है. It's good. So talking about this Wanderer Cafe, I liked it very much, especially the ambience. We can try out the chili garlic noodles along with the crispy honey chili chicken. Oh, for the timing we are done. मतलब हम लोग एक दिन पे तीन कैफे हॉपिंग हम लोग का हो गया. करीम अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, बिकॉज कलकत्ता में भी करीम है. उधर जर्मन बेकरी है वो साइड पे. वी आर हियर एट होटल Zanang एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव इन आवर डिनर बफे. So let's start with chicken curry. Gadwa gadam chicken curry. Here suji ka halwa. Veg hot and sour soup. Jeera alu. Paneer labrador. What you have got? Paneer, chicken, dono. अभी लग रहा है कि जो खा के आए बेकार के खाके आए. मैं तो बोला ही था इसको बाफे अच्छा है. बाफे खाना चाहिए था, जो अभी खा नहीं पा रहे. ये खत्म करवाओगे ना? सब खा लेंगे देखो ना. This food is much better than the one we had in cafe. That's why tomorrow onwards we'll be having buffet here only. Yes, exactly. So we roam around three cafes in the Leh market, and still after coming from market and to hotel, like this is how my entire plate looks like. This is my dinner. खाना भी बहुत टेस्टी लग रहा है, तो मैं तो खाने वाला हूँ सब. No one is getting surprised. We have already done this before. Yeah, I have already done this before. ये मेरा रिकॉर्ड जो है उससे बहुत कम है. But still, I will have this. Okay, you are on diet. Understood, got it. But I will have all this food. This is how the diet plate looks like. I'll first have chicken. Chicken. Oh, it's good. It'll be better. Paneer is yummy. Very good. Ah. Paneer is very good. Today is our day 2 journey of Leh Ladakh Diaries and we will be starting for Leh sightseeing shortly. Aaj sightseeing mein kya kya hai? Pehle hai like Kargil War Memorial, Sangam River, Magnetic Hill, Gurudwara and last Shanti Stupa. But before that, let me have my breakfast first. पेट भरा रहना चाहिए, because जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ना, वहाँ पे दूर दूर तक कोई खाना का स्टॉल वगैरह कुछ नहीं है, तो हम लोग का पेट भरा रहना चाहिए. Right, Ron? एकदम. तो ब्रेकफास्ट में व्हाट आई हैव गॉट, आई हैव गॉट पोहा, पराठा एंड टी. सो एट शांति स्तूपा कैफे वी हैव ऑर्डर्ड क्रिस्पी पोटैटो, क्रिस्पी चिली पोटैटो विद हनी. सुशील टेस्ट करके बोलो कैसा है. इट इज क्रिस्पी बट एवरेज. लेट्स नॉट वेस्ट द फूड. एप्रिकॉट जूस, ओके, दिस इज माइन. चॉकलेट शेक, एप्रिकॉट. भाई बचपन में पेप्सी पीते थे ना, वैसा लग रहा है. एक रुपए का जो पेप्सी पीते थे, ये जो एप्रिकॉट जूस है
मुझे इतना खास नहीं लगा, लोग कैसे पीते हैं इसको पता नहीं, बट मेरे को बहुत ही पिलो वाला अच्छा लगा, टेस्ट नहीं है, मतलब ठीक है बट टेस्ट नहीं है। एप्रिकॉट का जैम, या एप्रिकॉट का जैम वी कैन टेक फ्रॉम ले मार्केट, वो मैं मार्केट इट्स फ्रॉम टुटुक, टुटुक से लेना है, उधर में एप्रिकॉट हार्वेस्ट होता है। मेरे को जूस इतना पसंद नहीं आया ऑनेस्टली, देखते हैं और क्या ऑर्डर करते हैं। ये क्रिस्पी चिली पोटैटो वाज सो सो, गुड गुड गुड। For the cold coffee, I would say it's okay. With this view, anything can go. Ambience. That's the thing. मतलब they are providing the view. Sitting and seeing Leh Palace, some of the peaks. It's a different altogether view. कोई पैनकेक भी अपने आप को सेलिब्रिटी सोचने लगेगा। ले आजा रोटी में। At this Shanti Stupa Cafe, we got a special recommendation that यहाँ आके पैनकेक जरूर ट्राई करना। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, पैनकेक बोल रहा था खत्म हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम लोगों को फाइनली पैनकेक मिला, एक ही ऑर्डर किया वो सबके लिए, और विद दिस व्यू एंड दिस पैनकेक, दिस इज समथिंग अमेजिंग। तो अभी एक छोटा सा पैनकेक हम लोगों ने ऑर्डर किया, इसको अभी 6 पीस में डिवाइड करना पड़ेगा। ये 4 पीस में हो गया, अब 6 कैसे होगा, कैसे होगा इसका, वो भूले हम, ये थोड़ा बड़ा है उसको काट दे। हां बर्थडे में केक नहीं कटा गया। ऑन द सेकेंड डे ऑफ अवर ले फूड सफारी वी जस्ट स्टॉप इन फ्रंट ऑफ जर्मन बेकरी एंड कैफे। सो इसका भी रिकमेंडेशन मेरे को दो दोस्त से मिला था, एंड यहाँ पे आके इज अ मस्ट ट्राई द कन्फेक्शनरी आइटम्स, बर्गर्स एंड ऑल द स्प्रिंग रोल्स, क्रोसेंट, चॉकलेट क्रोसेंट, चॉकलेट डोनट से स्टार्ट करके चॉको बॉल, देन कुकीज, पीनट कुकीज, every type of confectionery item are available here. So we tried 3 pastries. One is apricot cheese. Apricot, okay. This is mango cheese. And this is Marty Mud Cafe. Okay. So all 3 of them are quite average. It's not, it's so-so or it's good? It's quite expensive and it's not good as per the price. So I can recommend you one place in Kolkata if you are visiting. Visit CC1 and go to Cookie Jar. Boss, you are also agreeing? Absolutely. Basically, this kind of food court, जैसे हम लोग का शॉपिंग मॉल में रहता है। मेरे को यहाँ पे जितना तो दिख रहा है, जर्मन बेकरी, उसके बाजू में एक और कैफे और यम यम कैफे यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके हर जगह पे कुछ ना कुछ ट्राई करो, तो आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपना एक्सपीरियंस को। So, मेरा और संजय का ये चीज केक खाने का मन तो था, बट सुशील का रिव्यू सुनने के बाद हम लोगों ने सिर्फ चाय ऑर्डर किया, 1, 2, 3 चाय, दैट्स इट। और कुछ खाना है? So we got recommendation about both the Summer Harvest and Lamayuru restaurant, but today we decided to go inside Summer Harvest restaurant and explore the Tibetan food. Last din hum log Leh mein hai, us din hum log Lamayuru bhi try karega, right? Hopefully. Sab kuch ek ek karke try karega and aap logo ko ek proper review food vlog hum log present karne wale hai. To stay tuned till the end and niche comment box mein likhna mat bhulna ki aap log ye pura Leh ka journey and food vlog kaise enjoy kar rahe ho. So we are trying out chicken kothe, a Tibetan, authentic Tibetan dish. It's actually a chicken kothe, which generally we have in the Tibetan regions, generally Ladakh regions, and in Sikkim we also try out kothes. So it's a really heavy item which we have during a winter season. Generally winter season, this Tibetan people have, and it's one of the best. Along with that, we can have try out thukpas. Like momo, this also having same kind of stuffing? Yes, same. Same, right? Same. This only is a different kind of mom. Okay, so difference is the only the layer. There is a dim sum. This is Tibetan dim sum. Okay, let's start. Yes. Please do the honor. Also, side by side, we have ordered a simple sweet lime juice. What kind of sauce it is? It's like Manchurian sauce? No, not Manchurian. It's a chili, red chili sauce. Red chili sauce. What? It's spicy. Yeah, it's really spicy. Viewers, logo ko bolo, kaisa hai test? The filling of the chicken along with the cheese, it's totally filled up. And while having with this spicy red chili sauce, it's tasting really good. In the winter season, it's the best thing you can have. So it's like, as per your expectation, the test is like same to same? Good. Really good. You can try out this. Yeah. So let me try out this. I'll be having for the first time this item. So let's see how I enjoy this. Initially, I was a bit skeptical ki iska taste kaisa hoga. So, मैंने टोटली सोमे के ऊपर भरोसा किया, एंड ट्रस्ट मी, मैंने एक पीस खाया अभी तक, इट वाज ऑसम,
बहुत ही यम्मी है, डिलीशियस है। मतलब स्टफिंग जो है ना, तुम स्टफिंग देखो, स्टफिंग देखो इतना सारा है। इट्स क्वाइट ए हैवी फूड। एक प्लेट इक्वल टू 10 पीसेस, दो लोगों के लिए थोड़ा तो हैवी होगा। मतलब तो रात में डिनर करने का कोई और सवाल नहीं है, इसको एंजॉय करो एंड सो जाओ, दैट्स इट। दिस इज द गार्डन प्रीमाइसेस एट होटल ससल्ला। जस्ट वाओ, यहाँ पे बैठ के हम लोग अभी डिनर और ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। यहाँ पे तो आराम से बैठ सकते हैं। नाइस नाइस सेटअप। और ये बाहर का पूरा व्यू है। हम लोग जब दूर से देख रहे थे थोड़ा बहुत छोटा लग रहा था, पर यहाँ पे आके देखा ये बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टी है। होटल ससल्ला नुब्रा का सबसे बेस्ट पार्ट जो मेरे को लगा, ये बाहर बैठने के लिए अलग अलग सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे है। मतलब आप मान लो यहाँ बैठ के आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ कर सकते हो, और लाइटिंग का भी प्रॉपर इंतज़ाम है। होटल का जो स्टाफ्स थे उन्होंने बोला कि ये जो बाहर का सिटिंग अरेंजमेंट है, अगर आप दारू पी रहे हो या बॉनफायर जला के सेलिब्रेट कर रहे हो तभी यहाँ पे बैठो, अदरवाइज लंच और डिनर करना हो तो अंदर प्रॉपर अरेंजमेंट है, वहाँ पे जाके करो। पर ये जो व्यू है, नेक्स्ट लेवल व्यू है। अगर आपका रूम फर्स्ट फ्लोर पे है तो ऊपर से व्यू और भी बढ़िया आने वाला है ये पूरा पहाड़ का। इट्स टाइम फॉर डिनर एट होटल ससल्ला एट नुब्रा वैली। लेट मी शो यू व्हाट वी हैव। दिस इज पनीर, ये मशरूम है, भाई जी हाय बोल दो, ये है दाल मखनी, राइस, सूप, रोटी भी दिखा दो, रोटी, एंड दिस इज पाइस, पाइश डेजर्ट आइटम। एंड अभी सब लोग यहाँ पे खाना एंजॉय कर रहे हैं। इट्स टू गुड। पहाड़ों में चिकन मिल रहा है, मतलब यू आर ब्लेस्ड। ट्राई द मशरूम, इट्स टू गुड। एंड लेट मी शो यू व्हाट आई गॉट इन माय प्लेट। देख लो, अभी ये सब मेरे को खाना पड़ेगा। ये तो एक राउंड है, अभी दूसरा राउंड भी होगा फॉर श्योर। सुशील, ऑलराइट, ब्यूटीफुल। आफ्टर हेमिस मॉनेस्ट्री वी हैव जस्ट स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द ब्यूटीफुल एंड पॉपुलर तिक्से मॉनेस्ट्री एट ले। बट दिस इज़ नॉट द एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट आगे हम लोगों को जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत खाना वगैरह खा लेते हैं, बहुत देर से भूखे हैं। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, ले साइट सीन के दौरान, मतलब व्हेन यू आर विजिटिंग दिस हेमिस एंड तिक्से मॉनेस्ट्री, ले साइट सीन के दौरान अगर आपको भूख लगता है तो ये तिक्से मॉनेस्ट्री के ठीक सामने, तिक्से मॉनेस्ट्री पीछे है, तिक्से मॉनेस्ट्री के ठीक सामने एक और कैफ़े है, द विलेज कैफ़े बोल के, द विलेज कैफ़े, एंड ऑन दिस साइड चंबा होटल एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पे भी आप लोग लंच, एक क्लाउड कैफ़े, क्लाउड बोल के एक और अच्छा वाला रेस्टोरेंट था, वो हम लोग का रिकमेंडेशन में था, बट अभी टाइम नहीं मिला तो हम लोग रुक नहीं पाए, तो उधर भी आप लोग खा सकते हो, कैफ़े क्लाउड। So this is the chili chicken dry that we got at the village cafe. Quantity तो काफी कम है, we are not expecting like that. But yeah, क्या करें? बहुत कम quantity है। मैं इधर margin और texture अगर मान लें। Size बहुत ही कम quantity है, expect नहीं किया था इतना होगा, but yeah, that is how it is. यार इससे हमको को lunch complete करना पड़ेगा। अभी we all are very disappointed to see the quantity of food that we got here at the village cafe. Like it was literally disgusting. मतलब हम लोगों ने बोला गया था हम लोगों को कि we'll get 10 pieces of chili chicken dry, पर इसमें 5-6 पीस से ज़्यादा नहीं है, and quantity इतना है, and they are taking 300 rupees. So literally they are looting us. जनरली क्या होता है, मतलब फुल प्लेट में ना बड़ा बड़ा साइज होता है, 30 रुपए में बड़ा बड़ा। Utterly disappointed in one word. उंगली कट जाए। सब लोग यही बोल रहे हैं, जो मैगी का टेस्ट भी है, मैगी बहुत घटिया है, पता नहीं है, खाली पानी में मैगी दिया हुआ है और कुछ नहीं है। मतलब वर्स्ट मैगी जानते हो, ये सबसे घटिया है। मैगी पड़ा हुआ है, देखो कोई खा भी नहीं पाया। भैया आप लोग खुद मैगी खा। मैंने सोचा था आने से पहले खाना थोड़ा बहुत तो अच्छा होगा, तिक्से मॉनेस्ट्री के एकदम सामने है, बट लाइफ में इतना घटिया, इतना फालतू खाना ये लोग सर्व कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ दे विल बी लाइक चार्जिंग अस मनी फ्रॉम अस, लिटरली दे आर लूटिंग अस। मतलब आप सोचो, 300 रुपये का चिकन दिया है, ठीक है, चिली चिकन ड्राई, इतना सा क्वांटिटी, जितना पीस बोला गया था उतना भी नहीं दिया, और मैगी तो मतलब छोड़ ही दो, मतलब इतना घटिया मैगी किसी ने खाया ही नहीं। सर्विस इज थर्ड क्लास, you know, and quantity is very less. Charging 300 rupees was just a full chicken. He did not mention it on his menu,
there will be a 10 piece or 12 piece. Yeah, and Maggie to the ghatiya hai, matlab my friend is saying ki aap logon ko Maggie taste kiya ho, aisa kabhi hota hai ki? I ate burger and it was, you know, cold, and he was arguing with me, it's not cold. I was eating, I know that it's cold. तो आप लोग देखा कि लोगों का रिव्यू कैसा है ये द विलेज कैफे के बारे में. बाहर से देखने इतना सुंदर लग रहा था, अंदर जाके उतना ही घटिया था. बट ठीक है, चलो ऐसा एक्सपीरियंस होता रहता है ट्रैवलिंग के दौरान. इन वन वर्ड, यहाँ पे मत खाओ और बाकी कहीं पे भी खाओ. ले फूड सफारी में सबसे लास्ट में हम लोग आके पहुँचे हैं द फेमस टिबेटन किचन एट ले. हम लोग का जो रिकमेंडेशन लिस्ट था उसमें सबसे ऊपर इसका नाम था, बट अनफॉर्चुनेटली ऑन द वेरी फर्स्ट डे हम लोग यहाँ पे आ नहीं पाए. बट चलो कोई नहीं, आज आके पहुंचे हैं, तो लेट्स एंजॉय द एम्बियंस एट टिबेटन किचन. बाहर बैठने का भी जगह है बहुत, और अंदर भी आप बैठ सकते हो. हम लोग 10 बजे यहाँ पे अभी चेक इन किया एंड ये खुला है टिल 10:30 PM. यू गॉट समथिंग टू ऑर्डर? Trying to sink in. Prices are reasonable? Yeah, so, but it's still big, so we are just sinking in. All are very much hungry. Soumya? Yeah. पहला दिन आना चाहिए था इधर. But time nahi mila. At Tibetan Kitchen, the first thing we got is chicken drums of heaven. Quantity to dekh ke badhiya lag raha hai. 8 logo ke liye enough hoga. Let's enjoy this. And this is the chicken momo that we got. Chicken drums of heaven and chicken momo. 8 pieces. Perfect for 8 all of us. Got our third dish, that is chicken Afghani kebab. Looks delicious. How it is, Sushil? Yeah, it's good. It's lip smacking. Good? Yeah, it's very good. Guys? All good. वैसे तो हम लोग कलकत्ता में बिरयानी बहुत खाए हैं, but the first time we'll be like tasting this biryani, chicken biryani. Sitting in a Tibetan kitchen. I hope, देख के तो ठीक ठाक लग रहा है, taste करके ये लोग बोलेंगे अभी like how it is. And this is the final dish, mutton shapta. नहीं, अभी पहले इसको खत्म करते हैं. Mutton shapta with 3 bread for 3 of us. ये जो ब्रेड है इसका नाम है टिंग मॉक. कोई नॉर्मल ब्रेड जैसा नहीं है, टिंग मॉक ब्रेड विथ मटन शाप्ता. और ये दिख रहा है मटन का सैंपल ऊपर. दिस इज ऑथेंटिक टिबेटन क्विजिन. ऑथेंटिक टिबेटन क्विजिन लास्ट दिन पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं विथ हम लोग का ऑल टाइम फेवरेट बिरयानी. सो गाइज, हाउ इज द जोश? फुल फुल फुल. आई होप लाइक पूरा ये ट्रिप में आज का खाना सबसे बेस्ट था. Absolutely, no doubt. You want to have anything? Orgasm. Hmm?